कैसा फील हो रहा है? ऑसम क्योंकि बैग तो मैंने उठाया है ना। सुबह हमको याद है महाराष्ट्र के सबसे टॉप पीक पे जो है कलसुबाई, ठीक है, एंड ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है। सो गाइस, ये जो पहाड़ है ये 1646 मीटर है हाइट में। तो इस पहाड़ के बेस पे गाइस लोकेटेड है एक गांव जिसका नाम है बारी, एंड बारी जो गांव है वो इगतपुरी से 30 से 35 किलोमीटर दूर है एंड कसारा से कुछ 50 किलोमीटर के आसपास। तो मैं यहाँ से निकल पड़ा रात को 1 बजे, तो मैं रहता हूँ बेसिकली नालासोपारा में। सो नालासोपारा से मैंने ट्रेन पकड़ा और मैं पहुंचा विरार, जहाँ पे मुझे मेरे बाकी के फ्रेंड्स जो कि महादेव, महेश और अश्व और ईशान, तो ईशान बेसिकली लेट था तो हम लोगों को विरार स्टेशन पर वेट करना पड़ा काफ़ी देर है। उसके बाद फाइनली ईशान जो है वो आ गया, तो हम लोग चल पड़े, हमारी जर्नी शुरू हो गई, गाने वाने शुरू हुए। और तो बीच में हम लोग रास्ता भटक गए थे थैंक्स टू गूगल मैप, एंड फिर लोकल लोगों से हेल्प लिया थोड़ा सा और उन्होंने रास्ता ढूंढ दिया मेन हाईवे पे आ गए, एंड मैं से गाड़ी तो फुल स्पीड में चल पड़ी। फिर लाइक ट्रैवल करने के बाद फिर उन्होंने जगह पर मोड़ लिया। तो मैं एक जगह पे काफी फॉग था, ठीक है, खतरनाक है फॉग, आपने खंडा जगह से एवढं ना लगत ना। सो फिर धीरे धीरे सुबह होने लगे, सुबह होने के बाद जो नज़ारा था देखने को, देख के मतलब एकदम अलग ही लग रहा था, अलग ही दुनिया में आ गए एकदम। सब जगह हरियाली हरियाली थी, मौसम एकदम मस्त था, लाइक एकदम माहौल बन गया था उस जगह पे। देन हम लोग फाइनली जो कलसुबाई के बेस पे जो गांव है जो बारी है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के एक छोटे से होटल में हम लोग फ्रेश अप हो गए, चाय भी पिया, मतलब समझ गया ना मैं क्या हुआ वैसा, फ्रेश होके बड़ा बट फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकले फिर कलसुबाई ट्रैक जो शुरू करने से पहले हम लोग एक जगह पर रुके जो वहाँ के एक लोकल गाँव है, ठीक है, एंड वहाँ पर हमने एकदम दबा के ब्रेकफास्ट किया, मतलब ज़्यादा भी नहीं खाया क्योंकि ऊपर भाई कभी आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ नहीं ज़्यादा खाया नहीं, बट वहाँ पर उन्होंने खाया नाश्ता किया अच्छे से और फिर हम लोग वहाँ से चल पड़े। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं, ये देखो हम लोग चढ़ रहे ऊपर, थोड़ा सा खाया नाश्ते करके, इंडा विंडा लिया है मस्त, और अभी जा रहे ऊपर हम लोग। सो लेट्स सी कितना ऊपर है एंड थोड़ा ऊपर के नज़ारा देख लीजिए हम लोग। एक हाथ में कैमरा, दूसरा हाथ भाई पकड़ के सपोर्ट के लिए यूज़ करके चल रहे थे हम लोग, तो हाथ में कैमरा था एक में और एक में हाथ पकड़ा और भाई हवा आई तो टोपी उड़ गई, तो यहाँ पे मेरी जो टोपी था उसका बलिदान देना पड़ा मेरे को। तो फिर ये नदी पार किया, नदी पार करने के बाद थोड़ा सा हम लोग चले, तो ट्रैक स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग नहीं रहा था बिकॉज था नहीं कुछ, बट मेन चीज़ थी जो स्लिपरी था पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी था और पानी बरस रहा था कंटिन्यूसली, स्टेप संभालने पड़े थे, बाकी इतना स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था। अभी और ऊपर जाना है, बहुत डिफिकल्ट है सामना। तैयारी जीत की, सब लोग जीत की तैयारी कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की, पैंट में आफ्टर कंप्लीटिंग 10% नहीं ओनली 5% ये हालत है सबकी, सांस सांस फूल गई है, हवा निकल रही है। तो 25 बोल रहा था, 25% कंप्लीटेड, 25 ज्यादा कर रहे थे, तो 25 माय डॉट टू देम। और ईशान सर थक गए एकदम, और सर क्या बोलते हो? ठीक है, ना ना आता चढ़ते, ये जवानी है दीवानी अभी बाकी है, मेरा कितना फेयर आता है फेयर ना आप सर एकदम फेयर एंड लवली हो सर, चमक रहा, ब्राइटनेस बढ़ गई देखो उसकी। अश्व सर उधर ऊपर जाके खड़े, देखो यहाँ से व्यू कैसा है, अच्छा सही है ना व्यू, मेहनत रंग ला रही है, थोड़ा सा और ऊपर जाके और मजा आएगा।
क्या बोलते हो है ना गडावरी गड रे दिवागा मरते भक्तों का प्यार फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बाकी है पहाड़ चढ़ना आज लिटरली आज पहाड़ चढ़ना है मेरा मोबाइल है हाँ मेरा ही कैसा फील हो रहा है Awesome. क्योंकि बैग तो मैंने उठाया है ना awesome तो इतनी देर तक हम लोग ने उठाया दोनों ने लेकिन मजा आ रहा है जिंदगी का मजा ले रहे हैं इतना मेहनत लेगा ना उतना वर्थ लगेगा क्या छोड़ के जिंदगी का मजा ले रहे हैं ना बेरो अभी थोड़ा और ऊपर पहुंच के come on bro फिर से कंटिन्यू करेंगे never give up ever see you सर ये लो बैकग्राउंड जरा ऊपर बताओ ये पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहा है चढ़ चढ़ के हालत खराब हो रही है बस अभी भी दूर ही दूर लग रहा है 10-15 झरने गए थे लेकिन जो ट्रैक है वो खत्म नहीं हो रहा है सांस फूल रही है मजा भी आ रहा है मैं भी हूँ इधर लेकिन बहुत मजा आ रहा है हालत खराब है एकदम ये सर आपको लगे कि फॉरेनर है लेकिन है नहीं यार एकदम महाराष्ट्र आज लिटरली पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग देखो एकदम स्लोप खतरनाक स्लोप है डोंट लुक बैक फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो निकाल रहे हैं हम लोग I do appreciate and keep watching. हाँ अभी भी 20-30% बाकी है पानी बोतल है नींबू पानी है हालत खराब है एकदम सांस फूल गया सबका एकदम बट जाना है ऊपर अभी भी बहुत बाकी है यहाँ तक और ये है पीछे का व्यू अरे मौसी बहुत रिस्की है ये अच्छा है उल्टा इसकी वीडियो निकालना मुश्किल है ओ प्रवीण सर हम लोग को मिलो अरे बैग में इधर है आंटी अरे हमारे दोस्त हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज घूम रहे हैं यहाँ पे इतना क्लोज बंदर बाबू जा रवि ध्यान दे एकदम क्लोज है वो कलाकारिया बहुत ही खतरनाक है पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ बंदे गुलाटियां मार रहे जो शूटिंग का भूत था ना वो तो भाई चले गया तो फिर उन्होंने कैमरा जो चुपचाप बैग में डाल दिया और वहां पे जो चढ़ना था ना टॉप पे वो तो भाई दिख ही नहीं रहा था नीचे से ऊपर क्या है दिख नहीं रहा था कि मतलब वो बादल के अंदर था जो पहाड़ का टॉप था वो बादल के अंदर था तो वहां तक हमको पहुंचना था तो फिर हम लोग एक स्पॉट पे पहुंचे तो स्पॉट काफी ओपन था मस्त वाइड ठीक है एंड वहां पे काफी सुंदर लग रहा था और ऊपर से पूरा बादल था ओपन व्यू था मस्त हम लोग मस्त था लेट गए उधर एकदम फील ले रहे थे बारिश आ रही थी हवा चल रही बहुत थक चुके थे हम लोग फिर हमको लगा था बस अभी और नहीं होएगा करके लेकिन दो जन जो थे ईशांत और अशोक वो तो दादा ही नहीं हमको तो भाई जाना है टॉप पर तो जाएंगे तो दो जन जो थे महेश और महादेव एम एम दोनों भी तो उन्होंने बोला कि हम और नहीं करेंगे मतलब उनको लग रहा था कि और ऊपर जाना रिस्की है करके सो काइंड ऑफ उन्होंने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था उन्होंने क्या किया अपना बैग फोन कैमरा सब वहाँ पर रख दिया बिकॉज अभी कुछ मतलब नहीं था कैमरा वगैरह लेके आने का क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी हमको लगा था भाई कैमरा बिक जाएगा फोन बिक जाएगा खराब हो जाएगा कुछ मतलब नहीं ऊपर से इतना लोड लेके और चढ़ना भाई ताकत के बाहर था सो वहाँ पर रख दिया और हम लोग ऊपर चल पड़े फिर ऊपर चढ़ते धीरे धीरे सब क्लाइंब किया देखा नज़ारा देखा और अभी और खतरनाक हो रहा था क्योंकि ठंडी और बढ़ती जा रही थी और पेट में भाई भूख लग रही ताकत बिल्कुल नहीं थी प्यास लग रहा था लेकिन पास ऊपर से पानी गिरा तो ठीक है चला रहे थे वैसा सो वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे तो हम लोग वहाँ पे एक स्टॉल पे गए वहाँ से भुट्टा लिया भुट्टा खाया गर्म शकुटी वगैरह किया तो बॉडी में थोड़ी सी हीट और एनर्जी आई कि नहीं अभी और मतलब करेंगे हम लोग ऐसा एकदम मचाएंगे
सोच के फिर हम लोग चल पड़े ऊपर, धीरे धीरे और ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। और बीच में बहुत सारे ऐसा सीढ़ियाँ थी जो उन्होंने लगा के रखी थी जहाँ पे एकदम डिफिकल्ट था क्लाइंब करना, तो वहाँ पे एक सीढ़ियाँ थी मेटल की जो उन्होंने लगा के रखी थी तो हम लोग इजिली क्लाइंब कर सके, ईजी नहीं था लेकिन फिर चढ़ना था। और ऊपर से काफ़ी बार ऐसा लग रहा था कि भाई अभी पैर कांप रहे, ऐसा लग रहा अभी गिरूंगा मैं, अभी गिरूंगा था, लेकिन ऐसा खुद को बहुत ही कंट्रोल करते हुए और ध्यान दे के चढ़े हम लोग। फिर फाइनली हम लोग जो टॉप है वहाँ पर पहुँचे, भाई टॉप पे से क्या नज़ारा था, मतलब क्या नज़ारा था, इतना मस्त नज़ारा था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था ऊपर से नीचे तक, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, सब बादल था, हम लोग बादल के अंदर और बादल हमारे आसपास मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और चढ़ेंगे ना तो जो शिव जी ने उनके साथ साक्षात दर्शन हो गया, ऐसा लग रहा था इतना, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम टॉप पे थे, एकदम टॉप पे महाराष्ट्र के टॉप पे, ऐसा बादल के अंदर मस्त हवा चल रही थी एकदम, और बिजली वगैरह मतलब एकदम कड़क रही थी एकदम, फुल मज़ा आ रहा था एकदम, और हवा तो इतनी तेज़ है भाई, मतलब ऐसा इंसान उड़ के जाएगा ऐसा, मेरा भी मन कर रहा था उड़ू करके, लेकिन फिर खुद को थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल किया, शांति से बैठ गया वहाँ पे। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था ठीक है कलसुबाई का, ठीक है, और वहाँ पे एंड पे कलसुबाई के पैर भी थे जहाँ से शायद से वो कूदी थी करके, तो ये मंदिर था, इसमें छोटी सी मूर्ति थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा मंदिर, छोटी सी मूर्ति, दो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जो वहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे। यहाँ पे इतना टॉप पर करते हुए मैंने सोचा भाई प्रसाद देखो यहीं से लेकर, यहाँ से प्रसाद उठाया उनको ने वहाँ पे इन्जॉय करते, ऊपर से भाई व्यू तो बहुत सही था, खतरनाक भी था बट लेकिन बहुत लाइक सही व्यू था, मतलब वर्थ है, ऊपर जाके लगा कि भाई ये मतलब अचीव कर लिया कुछ, वो बोलते ना सबसे टॉप पे जाने का सबसे बेस्ट व्यू मिलता है, वैसा कुछ था वहाँ पे। तो काफ़ी मज़ेदार था ट्रैक, ऐसा लगा नहीं था कि हो पाएगा, लेकिन हमें छोड़ के छोड़ दो गए ना, क्योंकि चढ़ना आसान था, मतलब उतरने से ज़्यादा मेरे को चढ़ना आसान लग रहा था, मतलब पैर आप रहे थे स्टार्टिंग में बट क्योंकि चढ़ गए थे, मतलब चढ़ना तो अभी हो गया ना तो आसान लग रहा था, अभी उतरना भाई डिफिकल्ट है, क्योंकि चढ़ते हुए सामने सब पहाड़ था, तो पहाड़ सामने पहाड़ था, डर नहीं लग रहा था, डर मतलब कम था। अभी भाई उतरना था, उतरना तो भाई नीचे तो बचा खुला एकदम खुला, भाई घिरे तो सीधा मतलब वहाँ पे जाएगा, ऐसा इतना दूर दूर तक सब दिख रहा था, तो भाई फट रही थी सब पकड़ पकड़ के आराम से धीरे धीरे उतरते, और बहुत बार पैर स्लिप होता है उतरते, तो वो चीज़ का भाई बहुत ध्यान रखना होता था, वो भाई बहुत टेंशन है, स्लिप होता है बहुत, गिर भी आता है हमारे एक फ्रेंड भी उसमें से गिर चुका था। ऊपर से बेस्ट व्यू है, जो व्यू एकदम वर्थ है एकदम, लाइफ का मज़ा आ जाएगा, और आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे लेकिन आप कर सकते हो अगर आप सोच करो ठीक है। और वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि लाइफ में अगर कुछ सोचना ठान लेना करने का है तो फिर मतलब करने का है तो कर सकते हैं। और वहाँ पे छोटी सी बच्ची थी, अगर आपको इंस्पिरेशन की तो वो बच्ची को देखा, बच्ची का तुम क्यों नहीं कर सकते, मतलब जब मैं टॉप पे चढ़ रहा था तो वहाँ पे एक बच्ची की तुम जो उठे गई थी, मेरे को लग रहा था भाई मैं नहीं चढ़ पाऊँगा नहीं चढ़ाऊँ, बच्ची को देख रहा हूँ, बच्ची ऊपर टॉप से उतर रही है, हो गया उसका चढ़ के वो उतर, बच्ची किसी कर सकती थी तुम क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ऊपर तक नहीं जा पाओ तो एक थोड़ा सा नीचे मंदिर है जाकर दर्शन करके जा सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा भाई कि टॉप तक जाओ, बहुत मज़ा आया, लाइफ का लगेगा कि लाइफ में ऐसा कुछ अचीव कर लिया है था बहुत बड़ा, और अंदर ही अंदर खुद ही ऐसा इंस्पायर हो जाओगे खुद से कि भाई मैं कुछ चाहो तो कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता ऐसा कुछ। सो वर्थ है वन टाइम वन सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।